गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। एज मस्त, अभी देखो 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। अभी निकलते ही घर से निकला और जाम ही जाम है। मतलब 5-10 मिनट हुआ होंगे, 15 मिनट, 1 किलोमीटर लंबा जाम। जरूर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो जब कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है तो जाम ऑब्वियस है, लग ही जाता है। क्या करें, उससे बचना मुश्किल। आज तो गाइस इतना ट्रैफिक जाम है, क्या बताऊँ, पता नहीं क्या रीज़न है, बट अब है तो है, क्या कर सकते हैं। और जब ड्राइव करते टाइम में ट्रैफिक जाम हो जाता है, दिमाग मतलब एकदम वैसे हो जाता है। आज वैसे भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, कहाँ कहाँ जाना है पता नहीं, देखेंगे अभी। एक और 2-3 जगह का तो है प्लान, देखते हैं, और पता नहीं कब तक फ्री हो पाएंगे। आज यही लोग ट्रैफिक जाम लगाते हैं, देख रहे हो, JCB लगा दिया है बीच रोड में। और बीच रोड में JCB लगा के पता नहीं कुछ कर रहे हैं यार, इससे तो ट्रैफिक जाम होगा ही, हर दिन का ये कहानी है। देखो सिग्नल ग्रीन है बट जाम लगा हुआ है, देख रहे हो भाई, पता नहीं कब हटाएगा ये, जाम लगा रखा है इसने। सबको परेशानी होती है ऐसे, ये पता नहीं नाइट को क्यों नहीं करते अपना काम। देख लो गाइस, उस बिल्डिंग में मेरे फ्रेंड्स का ऑफिस है, ये जो शिप वाली बिल्डिंग है, और ये गुड़गांव की फेमस बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा इसका ही नाम लोग रखते हैं। कोई भी साई बड़ा आता है तो बोलते हैं शिप वाली बिल्डिंग। वाह अरे वाह, देख लो, ये देखो गाड़ी वाले को क्रेटा लेके, ये क्रेटा का बेसिक मॉडल है, ऐसे उड़ा रहा है एकदम। इसको लग रहा है कहाँ जल्दी से पहुँच जाएगा, पता नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, देखो 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 इसको, कभी उधर जाएगा, मतलब पता नहीं इतनी जल्दी में क्या हो जाएगा, इसको समझ नहीं आता मुझे। ऐसे ही लोग गड़बड़ करते हैं, मतलब आदमी ऐसे होके चलाएगा गाड़ी, और कोई कुछ चलाएगा, कोई कैसे भी चलाएगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे। मतलब जो भी बंदा अगर गाड़ी चलाए तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो मीन वाइल अभी मैं साइबर अब से निकल रहा हूँ यहाँ से, देख रहे हो मस्त है ना व्यू यहाँ का, तो आप लोग भी कभी भी इधर आओ, मस्त है यार, घूम के जाओ। और गुड़गांव में तो यही है यार, देख रहे ट्रैफिक, शाम को जैसे छुट्टी होती है ऑफिस की, यहाँ पे पूरा भर जाता है। और क्या बताएं, ये मस्त बनाया है, जो ब्रिज बनाया है इस पर गार्डनिंग किया है, तो अच्छा लगता है। यही लोग कैसे रोड क्रॉस कर जाएंगे यहाँ से, समझ नहीं आता मुझे। तो अभी जाएंगे, आज बहुत दिनों बाद मैं मतलब थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ, तो जल्दी जाऊँगा घर, नहीं तो पता नहीं। और मैं तो टाइम भी नहीं मिल रहा आजकल, ना बिग बॉस देख पा रहा हूँ ना कुछ, बहुत सारा काम हो गया था, तो फुर्सत निकालना भी मुश्किल है। तो अभी तो ये मेट्रो देखो यहाँ से जा रही है, जो ये जाएगी कहाँ पे, इफ्को चौक इधर, तो बहुत दिक्कत है यार अभी टाइम का। रात को लेट पहुँचो फिर परेशानी परेशानी हो जाती है। ये देखो रेनॉल्ट टाइगर स्कार्ट लगाया है यहाँ पे। गाड़ियों का तो बहुत सारा तामझाम है हर तरफ, दिल्ली NCR में तो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, आपको कहीं भी जाओ गाड़ियों से भरा रहेगा। तो गाइस मेन हर्डल जो है टोल पार कर गया मैं, बट ट्रैफिक आज बहुत है, पता नहीं क्यों, पता नहीं इस टाइम में रहता ही है मोस्टली, क्योंकि सारे लोग ऑफिस से घर जाते रहते हैं। और ये बाइक वाले क्या हुआ भाई, पता नहीं ऐसे ही चलाते हैं लोग यहाँ पे। इतना ट्रैफिक अगर हो तो फिर आदमी क्या करे यार, घर जाना है, लोग कैसे कैसे गाड़ी चलाते हैं, हर किसी का तो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। और कल जो मैं गाड़ी देख के आया था यार, क्या है स्विफ्ट वन, पहले जो स्विफ्ट आती थी और अब जो आती है उससे तो मतलब दमखम नहीं लगा मुझे, बट मुझे ऑटोमेटिक का ये था इसलिए मैं देखने गया था, तो ठीक है थोड़ा पसंद आया मुझे। बट अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी देखते हैं और कोई गाड़ी, तो जो भी पसंद आ जाएगा उसको देखेंगे। फिलहाल तो देख लो ये सिचुएशन है, रास्ते में कितना ट्रैफिक है, देख रहे हो। और दिन में जा
जाते रहता हूँ तो कोई ट्रैफिक जाम मिलता नहीं, लेकिन आज देखो कितना जाम है। पता नहीं यार कैसे जाम लगता है हर दिन यहाँ पे। निकल जाओ यहाँ से यार, बस पहुँचा आदमी घर, वही बड़ी बात है। ये सब भाई लोग पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं। ये गाड़ी देखे हमें, ये स्विफ्ट जो सामने है, ये पेड़ कोई काटेगा भी पता नहीं, जो सड़क पे लटक रहे हैं देख रहे हो, ये सारे बरसात के दिनों में लटक ही जाते हैं सब पेड़, सड़क पे आ जाते हैं। पता नहीं कोई जो मेंटेन करेंगे वो आके काटेंगे इसको, तब जाके ये कम होगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो गाइस जब जल्दी निकल जाए यार तो क्या है, देखो लाइट भी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल अभी घर जाना है मुझे, और घर जाएंगे, कुछ काम है वो भी निपटाना है, और कुछ सामान लेना है वो भी लेंगे, फिर एक और जगह जाना है, कुछ मीटिंग है थोड़ी सी छोटी सी उसको करना है, और क्या है, और देखते हैं अभी वहाँ पहुँचेंगे एक बार फिर ये तो मतलब क्या बताएं, ऐसा सिचुएशन ही बन जाता है कि करना पड़ता है, और कोई बात तो है नहीं। मेन मुद्दा है कि अगर आपका कोई काम प्लान है तो आपको टाइम निकाल के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं सोचता हूँ उस दिन वो काम करना ही पड़ता है मुझे, तो अगर ट्रैफिक जाम ना मिले बस, और कुछ तो नहीं है। ट्रैफिक जाम मिलता है तो दिक्कत हो जाती है, जो ट्रैफिक अभी जो है मतलब पीक आवर्स होता है, ऑफिस सब ऑफ होते हैं तो सब लोग निकलते हैं यहाँ, और इस रास्ते में तो खास करके ज़्यादा ही जाम होता है यार, गुड़गांव से दिल्ली। तो अभी जल्दी पहुँच जाऊँगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। तो गाइस घर आए, खाना खा लिए, बाबू सोया हुआ है, अगर उठता है तो इसको लेंगे ब्लॉग में। और आज ऐसा हुआ कि इतना सारा काम होने के बावजूद मैं सारा काम करके आया, और फिर घर का भी काम था इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा, तो काम तो हो गया फिलहाल, और अभी खाना भी खा लिए हैं, तो बस बैठे हैं अभी, और देखिए लड़का कैसे सो रहा है आराम से एसी चला के, और उसको कंबल ओढ़ के सो गया है। गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर